नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस समय सैदपुर में आ चुके हैं और सुनील यादव का पार्थिव शव यहीं से रिसीव किया जाएगा और तमाम सभी लोग तिरंगे के साथ यहां पे खड़े हुए हैं। अभी बात होती है वहां पे, पता चला है कि थोड़ी देर में उनके पार्थिव शव जो है वहाँ से चलेगी, तो काफ़ी संख्या में यहां पे उपस्थित हैं सभी लड़के और भारत माता का जयकारा लगाते हुए आए हैं। हम कुछ लोग से बात भी करेंगे कि क्या उनके अंदर सोच है, किस तरह से जो है यहाँ पे किस सोच के साथ, किस जज्बे के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पार्थिव शव को रिसीव करने के लिए, सारी बातें जानेंगे। और यहाँ पे सभी लोग तिरंगा लहराते हुए भारत माता का जय घोष करते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अभिषेख यादव। हम लोग भी चाहते हैं भारत माता की सेवा करने के लिए जी। यहाँ पे सभी युवा यही सोचते हैं कि हम भी जो है फौज में जाएं और भारत माता के लिए रक्षा सरहद पे खड़े हों, और सबके अंदर वही जोश जुनून होता है। अगर ये कि लाल यहाँ का शहीद होता है तो यहाँ हजारों युवा जो है खड़े हो जाते हैं देश के सरहद पे जाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं और यहाँ पे आर्मी लवर जो सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं सद्दाम भाई, वो भी आए हुए हैं और ख़ास रूप से जो है उनके साथ कई ग्राउंड के लड़के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं क्योंकि इनके गाजीपुर का एक लाल जो है देश के लिए शहीद हुआ है। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सिराज अली। क्या सोच रखते हैं सर जो शहीद हुए हैं उनके प्रति? हमें बहुत गर्व है कि बुढ़कुड़ा ग्राउंड के जो है एक देश के लिए शहीद हुआ है, बहुत गर्व है हमारे देश के लिए। जो गाजीपुर से वीरों की धरती रही है, हमेशा के लिए रहेगी। और आप लोग यहाँ पे सैदपुर आए हैं, यहाँ से भुड़कुड़ा के लिए शव यात्रा निकालेंगे उनके पार्थिव शव में, तो यहाँ से वहाँ तक पूरा पैदल ही चलेंगे? पैदल भी चलेंगे, बाइक से। लड़के हैं कम से कम 1000 से ज़्यादा लड़के हैं और उस ग्राउंड के लड़के जो बनारस पहुँच चुके हैं वहाँ से शव के साथ आएंगे, जो शहीद हुए हैं भाई उनके साथ आएंगे। दुख तो बहुत काफ़ी है लेकिन एक तरफ से गर्व है, और गर्व है, बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग जो नौजवान भाई हैं हमेशा के लिए शहीद होते हैं तो अमर रहते हैं, वो मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं। अगर एक लाल देश के लिए शहीद होता तो हजारों युवा जो है ना उससे मोटिवेट होते हैं, यानी कि गाजीपुर एक ऐसी धरती है जहाँ पे अगर एक जवान देश के लिए शहीद होता है तो यहाँ पे हजारों लोग उस जवान शहीद जवान का देख कर जो है मोटिवेट होते हैं और वही जो है ख्वाब लेकर फिर भी आर्मी सेना में भर्ती हो जाए। और कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना क्या है सर, बस इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही शव आ जाएगा लेके अपने घर की तरफ निकलेंगे। अच्छा सर, ये अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? सैदपुर में ही। सैदपुर में ही? जी जी सैदपुर। ये बड़ी बात है, भुड़कुड़ा से 25 किलोमीटर दूर सैदपुर सभी लोग आए हुए हैं, 35 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर दूर सैदपुर आए हैं और यहाँ से पार्थिव शव रिसीव करके फिर भुड़कुड़ा जाएंगे, उनके पैतृक निवास जाएंगे और वहाँ से फिर जो है इसी सैदपुर जौहरगंज जो है अंतिम संस्कार के लिए आएंगे सभी लोग। तो ये काफ़ी मेहनत का काम है लेकिन फिर भी भारत माता की रक्षा के लिए जो लाल शहीद हुआ है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके श्रद्धांजलि में, उनके शहादत में आने के लिए ये किसी और काम से कम नहीं है। इसलिए सभी लोग अपने जोश जज्बा जुनून के साथ सैदपुर की धरती पर आए हुए हैं उनके पार्थिव शव रिसीव करने के लिए। भारत माता की जय।